हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं थिंक टेक्निकल। फ्रेंड्स, अगर आपके पास माँ वैष्णो देवी के फोटो वाले सिक्के हैं तो आपकी लॉटरी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास माँ वैष्णो देवी के फोटो वाले सिक्के हैं तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा कीमत में बेच सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप माँ वैष्णो देवी के सिक्कों को कहाँ पर बेचेंगे और उनका क्या प्राइस है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माँ वैष्णो देवी के सिक्के कटरा श्राइन बोर्ड ने बनाना बंद कर दिए हैं, परंतु अगर आपके पास माँ वैष्णो देवी के सिक्के हैं तो उनकी आपको बहुत ज़्यादा कीमत मिल सकती है। लोग माँ वैष्णो देवी के सिक्कों को लकी मानते हैं, इसीलिए वो महंगे प्राइस में भी परचेज कर लेते हैं। माँ वैष्णो देवी के सिक्कों को सेल करने के लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट कहां पर क्रिएट करना है, आपको स्नैपडील की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर आपको स्नैपडील का सेलर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। स्नैपडील पर सेलर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको माँ वैष्णो देवी के सिक्कों की फ़ोटो लेनी है और फोटो लेकर स्नैपडील के सेलर अकाउंट पर अपलोड कर देनी है। स्नैपडील पर एक सिक्के का प्राइस है वो 2000 है। आराम से आप 2000 तक अर्न कर सकते हैं। जैसे ही कस्टमर माँ वैष्णो देवी के सिक्कों को परचेज करेगा, स्नैपडील अपनी कमीशन कार्ड के बाकी पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर आपको स्नैपडील की वेबसाइट का सेलर अकाउंट क्रिएट नहीं करना आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप स्नैपडील का सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख पाएँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।